अरे वाह, लगता है आप लोग हमें बुलाना भूल गए। हाँ आप ऐसे बेटा आओ बैठो। मैं भाई के पास बैठ जाऊँ ना? अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी बैठो। लेकिन कौन से भाई के पास बैठूं? यहाँ पर तो दो भाई हैं। बेटा तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है, जुनेद भाई। वो और फरीद भाई? तुम्हारे भाई नहीं है, वो ले पालक है। वो क्या होता है? वो तो अच्छा, बस बहुत कर दिया आप लोगों ने बकवास। टेबल पे आने की जरूरत नहीं, हम कमरे में खाना भेज दिया करेंगे। खाना तो हम सब मिलकर साथ ही खाएंगे। अगर आपको मेरे साथ बैठ के खाना पसंद नहीं है, हम आपके कमरे में भिजवा देंगे। हाँ, बल्कि इस लेपालक को भी उसके कमरे में ही खाना भिजवा देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, मेरी बात सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या तुम लेपालक नहीं हो? तो क्या हुआ अगर मैं लेपालक हूं? कोई गाली तो नहीं है? क्या हुआ अगर जुनैद के अब्बू ने अपने वसीयत में लिखा था कि मैं उन्हें कब्र में नहीं उतार सकता, लेकिन मेरी अम्मी मुझे उतना ही प्यार करती हैं जितना वो जुनैद से करती हैं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेपालक होना कोई गाली नहीं है, लेकिन माँ बाप का पता ना होना ये गाली है। अम्मी, अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है, अब तो बता दे मेरे माँ बाप कौन है, किसका बेटा हूं मैं? आ गए ना लोगों की बातों में, कर दिया मां को कटहरे में खड़ा। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि तुम मेरे बेटे हो? मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे उनका नाम तो बता देता कि मुझे एक गाली तो ना सुननी पड़े दोबारा। नहीं बता सकती फरीद, मैंने कसम खाई हुई है, मैंने वादा किया था तुम्हारी मां से कि मैं नहीं बताऊंगी। सही है, ना बताएं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा। तुम्हें मेरी कसम है, अगर दोबारा इस मौजू पे बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बहुत मत लगाए मुझे, इज्जत में आप, मैं मेरे मुंह में आपके लिए। सायरा, इसे कमरे में लेकर जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना, मत मेरे घर के मामले में पड़ना, मत आग लगाना, वरना उसी आग में झुलस जाओगी। आग तो जल चुकी है, और जल कौन रहा है, साफ दिखाई दे रहा है।